हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक लेकर आया हूं ये टॉप सीक्रेट ऑफ द टॉपर्स। जी हां दोस्तों, एनईईटी के एग्ज़ाम में जो बच्चे जो कैंडिडेट ने टॉप किया है, AIR इंडियन रैंक 1 पर लाया है, उन लोगों के टॉप सीक्रेट्स को मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूं। जी हां, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे कि आप लोगों को आपके सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे और आप भी उन्हीं सारे टॉपिक्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप भी टॉप कर सकते हैं। तो क्या था इसके पीछे का राज, वो टॉप सीक्रेट मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं पिछले ईयर के कुछ बच्चे जो कि टॉप 10 किए थे उन टॉप 10 का लिस्ट और इस ईयर के टॉप 10 के लिस्ट के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, ये जो टॉप 10 करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, बस अपने स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क्स का यूज़ करना होता है। तो दोस्तों, क्या क्या स्ट्रेटजी उन लोगों ने अपनाया था, कौन कौन से पॉइंट्स को उन्होंने अच्छी तरह से अपना यूज किया था, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ बता दें दोस्तों आपको कि NET के एग्ज़ाम का जो रूल्स होता है टाई ब्रेकिंग का, उस रूल को भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, आज की वीडियो देखते हैं बेस्ट एग्ज़ाम के साथ। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी और इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ ये है कि जिन बच्चों ने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है दिस साल, उन्हें फिर से 2021 में अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा, ऐसा एक एस्पिरेंट्स के माध्यम से आया है। यहाँ पर बोल रहे क्या, द सबमिशन ऑफ द पोखरियाल्स टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स हैव रिक्वेस्टेड दैट द स्टूडेंट्स हु हैड देयर लास्ट अटेम्प्ट एट JEE एग्जाम दिस ईयर शुड बी ग्रांटेड एज अ ईयर्स कंसेशन एंड अलाउड टू अपीयर फॉर देयर फाइनल अटेम्प्ट इन 2021। सो 2021 में एक बार उन सभी एस्पिरेंट्स को फिर से एग्जाम देने का, एग्जाम के लिए सिट करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि इस बार इस पैंडमिक की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन सभी को सफलता प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि वो लोग फिर से नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए सीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी स्ट्रेटजीज़ को अपनाइएगा। जो स्ट्रेटजीज़ मेनली इन लोगों के द्वारा अपनाया गया है और टॉप 10 रैंकर्स में आप लोगों का भी नाम आ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉप 10 रैंकर्स आए थे। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें रैंकर्स के लिए तो सबसे पहला नाम आता है शोएब आफ्ताब का, जो 720 नंबर 990.99 ओडिशा से, और आकांक्षा सिंह जिन्होंने 720 अंक प्राप्त किए हैं, उनका जो रैंक होता है वो भी 99.99.87357 है, जो कि दिल्ली से हैं। टॉप फर्स्ट एंड सेकेंड का जो 720 नंबर आया है, टॉप 3 से लेकर के टॉप 6 तक का जो रैंक है वो दोस्तों जो नंबर आया है वो 715 आया है। आप लोग सोच सकते हैं कि टॉप 3 से लेकर टॉप 6 तक जो कैंडिडेट हैं उन सभी को 715 का स्कोर मिला हुआ है। अगर वहीं 7 का बात करें तो 7 टॉपर्स में आता है 711 नंबर, 8 में अगर बात करें तो 710, और 9th में बात करें तो 710। यानी कि देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि किस तरह का कंपटीशन हो रहा है। 10वां नंबर तक 710 गया, यानी ओनली 10 मार्क्स का डिफरेंस। वहीं अगर 2019 की बात करें तो वहां पर 701 हुआ था मैक्सिमम नंबर, सेकेंड हुआ था जो वो 700 था, थर्ड हुआ था जिन्होंने, उन्होंने भी 700 ही पाया था। इसके बाद देखिए फोर्थ और फिफ्थ का जो पोजीशन था, फोर्थ में 96 था, 696, और फिफ्थ में 695। इस तरह से अगले 3 रैंक जो थे, 4 रैंक थे, वे सभी 695 के बेसिस पर थे। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं जो कंपटीशन है वो कितना इजी होते चला गया है, जिस वजह से 720 आउट ऑफ 720 पा सकते हैं। और ये सब खेल है दोस्तों आप लोगों के सोच, आप लोगों के स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग भी उन सभी स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं जिससे कि आपका नाम अगले टॉप रैंकर्स में नाम आ जाए और आप भी पूरे इंडिया में फेमस हो जाओ और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो टॉप रैंकर्स बनने के लिए इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको सारे इंस्पिरेशनल और सारे टॉप सीक्रेट इनके ही जवानी सुनने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले आफ्ताब, शोएब आफ्ताब का पूरा लाइव इंटरव्यू, उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक अपनाई थी और उन सभी टेक्निक्स को आप भी इम्प्लीमेंट करके टॉप के रैंकर्स में आ सकते। दोस्तों, टॉप करने वालों के लिस्ट में एक बॉय और एक गर्ल, जिसमें कि एक आता है आकांक्षा सिंह और दूसरा आता है शोएब आफ्ताब।
तो इन दोनों को जो टॉप का लिस्ट मिला है, टॉप का जो रैंक मिला है, इसका कारण क्या था कि जब दोनों का मार्क्स सेम है तो फिर दोनों को रैंक क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे का क्या रीज़न था? और अगर ये सारे सीक्रेट्स आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग भी टॉप कर सकते हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को शायद इससे बहुत ही हेल्प मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि ये पता चल जाए कि उनके टॉप करने के पीछे का सीक्रेट क्या था, उन लोगों ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई और कितने सारे लाइफ में स्ट्रगल होने के बाद जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए उन सभी का फेस करते हुए भी इन लोगों ने कैसे टॉप कर लिया। तो कोई टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी मेहनत करोगे तो आप भी टॉप कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस टॉपिक के माध्यम से कि टॉपर्स के सीक्रेट, टॉपर्स की जुबानी। पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरे लाइव वीडियो के साथ उनका इंटरव्यू आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स का जो मेरा मेन स्ट्रेटेजी था वो ये था कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते थे। मैंने कोशिश हमेशा ये किया कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाए, लेकिन ये भी था कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं उसे फेस कर सकूं। फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं, थ्योरी होता है और क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली NCERT से आते हैं, तो NCERT तो थ्योरी के लिए मस्ट है। इससे अलावा अगर हमें और अच्छे तरीके से थ्योरी को समझना है फिजिक्स के, तो हम HC वर्मा जो बुक है उससे हम थ्योरी को समझ सकते हैं, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ एम्स में आते थे। अब एम्स बंद हो चुका तो उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। और उसके अलावा जो भी आपका कोचिंग है, चाहे वो LN हो, चाहे आकाश हो या कोई और हो, अब उनके कोचिंग के अच्छे से जो क्वेश्चंस दिए हुए वो सब अच्छे से कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे जैसे नीट का पेपर इजी होते जा रहा है वैसे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मेनली अब फोकस थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चंस पे भी शिफ्ट हो रहा है, और मेनली जो 12th की NCERT है फिजिक्स में वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने 11th की NCERT को बस रीडिंग जैसा पढ़ा था, और जबकि 12th की NCERT जो बोर्ड में भी हमारे काम आती है तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से याद भी किया था, और जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने समझा भी, और NCERT के कुछ लाइंस थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सबको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत प्रैक्टिस जरूरी है। फिजिक्स जो हमेशा से ही मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और सबसे कम टाइम में फिजिक्स ही पढ़ता था। इसके अलावा LN में SRG जो ग्रुप है वहाँ पे एक्स्ट्रा फिजिक्स के मटेरियल्स मिलते थे जो कि बहुत हाई लेवल के थे, जिससे मैं हम JEE मेंस या JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके, उनको भी मैं कर लेता था। चलिए बात करते हैं दोस्तों आकांक्षा सिंह के। आकांक्षा सिंह ने किस तरह से एक छोटे शहर के होते हुए भी एक बड़े टॉप रैंकर्स के नाम पे आते हैं, आपको दिखाएंगे ये वीडियो NDTV इंडिया के लाइव इंटरव्यू से। चलिए छोटे शहरों के छात्र भी बड़ी परीक्षाओं में कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं, इसे साबित किया है ऑल इंडिया मेडिकल परीक्षा नीट की टॉपर आकांक्षा सिंह। भविष्य में वो एम्स में रिसर्च करना और न्यूरो सर्जन बनना चाहती हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता राजीव रंजन। हमारे साथ है नीट यानी ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम की टॉपर आकांक्षा सिंह। 10वीं तक आपने गोरखपुर के कुशीनगर में पढ़ाई की, फिर 2 साल दिल्ली में और फिर टॉप। कैसे ये सफलता मिली आपको? क्लास 10 तक मैंने कुशीनगर से ही अपनी स्कूलिंग करी है, और मेरा कोचिंग जो है वो गोरखपुर में था, तो 70 किलोमीटर्स पड़ता था, तो इट यूज़ टू टेक मी 2 आवर्स बाय बस टू ट्रैवल, और रात में 9-10 बजे के आसपास मैं घर आती थी। एजुकेशन का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था, स्कोप भी उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए 11th-12th में मैं और मेरे फादर वी मूव टू दिल्ली, तो वहीं पर रहकर मैंने स्कूलिंग की है और वहीं से मैंने कोचिंग करी है आकाश दिल्ली से, और अराउंड 8 आवर्स सेल्फ स्टडी में डिवोट करती थी, बाकी जो भी टीचर्स बताते थे वो मैं फॉलो करती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। क्या छोटे शहर में रहकर बड़े एग्जाम क्रैक किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, छोटे शहर में रह करके भी बड़े एग्जाम क्रैक किए जा सकते हैं। जब से मतलब नीट NTA पेपर कंडक्ट कर रहा है वो मोस्टली पेपर NCERT सेंट्रिक रखता है, तो अगर NCERT का कोई थोरो रिवीजन करता है और इन बिटवीन द लाइंस भी क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करता है, क्वेश्चंस को समझता है और दूसरा हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता है और प्रॉपर हार्डवर्क करता है विद स्ट्रैटेजी, तो डेफिनेटली किया जा सकता है। कोचिंग बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं और एक स्ट्रैटेजी दे देते हैं, दूसरा टाइम टू टाइम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो अगर वो बच्चा खुद इतना डिसिप्लिन्ड है और वो खुद से इस चीज को कर पाता है तो डेफिनेटली बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है और छोटी जगह से रह के भी किया जा सकता है। आप पहले क्लास 8 तक सिविल सर्विस में जाना चाहती थी, फिर अचानक क्या हुआ कि आपको डॉक्टर बनने की सूझी? जी क्लास 8 क्लास तक मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी, पर उसके बाद से एम्स दिल्ली के बारे में मुझे पता चला और वहाँ पे जितनी रिसर्च होती है, और दूसरा डॉक्टर फिर वहीं से बनने का सोचा, और डॉक्टर बनके लोगों की भी बहुत हेल्प कर सकते हैं और बहुत डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न था कि मतलब मेरा डाइवर्जन हो गया IAS से डॉक्टर बनने की तरफ। आगे चलकर क्या करना चाहती हैं, मेडिकल में क्या स्ट्रीम लेना चाहती हैं? अभी आगे मैं एम्स दिल्ली से ही MBBS करना चाहती हूँ और उसके बाद न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ और न्यूरोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ। जो लड़कियाँ मेडिकल की तैयारी कर रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कभी भी अपनी प्रिपरेशन को टाइम लिमिट में बाउंड मत करो। एक टॉपिक को जब भी स्टार्ट किया है तो इजी से डिफिकल्ट हर लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जब तक वो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है उसको एंड करो, और उसके लिए चाहे आपको कितनी भी बुक्स करनी पड़ रही हैं, जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ जाती आप उस चैप्टर को छोड़ो मत। और दूसरा, प्रॉपर टाइम डिवोट करो, स्मार्ट वर्क करो, प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करो और अलॉन्ग विद हार्ड वर्क करो, दैट विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस। और हमेशा अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को ऊंचा रखो। NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी और इन लोगों के बताए गए टेक्निक्स को आप लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ये होता है दोस्तों कि जो भी स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ें उस पर पूरी तरह से फोकस करके पढ़ें। आप अपने पढ़ाई को 8 से 10 घंटे का पढ़ाई जरूर रखें और अपने पैशन को कभी मत छोड़ें। आप अपने पैशन और अपने तजुर्बे को आगे लेकर चलें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इन सभी टेक्निक्स के साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको टॉप करना ही है। एक बात आप लोग दिमाग में रखिए दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को जाया करते हैं, आप सो रहे होते हैं तो टॉप करने वाला उस समय पढ़ रहा होता है, आप अगर कुछ और कर रहे होते हैं उस समय टॉप करने वाला अपने पढ़ाई में लगा होता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपको उस लेवल का कंपटीशन में टक्कर लेना है, तो आप उस लेवल के कंपटीशन को टक्कर देना चाहते हैं तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कीजिए, तो ही आप अपने उस टॉप के रैंकर्स के नाम में आ सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है, आपको टेक्निक्स भी अपनानी पड़ेंगी। स्मार्ट टेक्निक्स से अगर आप काम कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी बेस्ट विशेष के साथ कि आपको अगले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको सारी सफलताएँ मिले और आप टॉप रैंकर्स में नंबर ऊपर आओ। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिससे कि आप लोगों का भी भला हुआ, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आप लोग कैसे कैसे स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कितना पढ़ना है, इन सभी बातों को आप लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया, तो शायद इससे ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहता हूँ जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम और एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।